जय माता दी दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। सबसे पहले आप सभी भक्तों को, आप सभी कुंडुबा परिवार को राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय हो बरसाने वाली की। भैया, राधा रानी जी का जो महल है ना, वो बरसाने में है। और मैंने एक वीडियो डाला था जब मैं बरसाने गया था कि भैया बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो भक्त, वो लोग जो श्री बरसाना धाम पहुंच पाते हैं, जो राधा रानी के महल तक पहुंच पाते हैं। और जो भाई बरसाना रहते हैं उनको तो भैया दंडवत प्रणाम है, उनके आगे तो भैया कोटि कोटि प्रणाम है, हाथ जोड़ के उनको नमस्कार है कि परमात्मा ने आप पर खूब कृपा करी है, राधा रानी की आपके ऊपर खूब कृपा है। भाई, कि आप बरसाने में ही रहते हो, आप तो राधा रानी के बिल्कुल रिश्तेदार हो, तो भाई आपको तो बारंबार प्रणाम है। और भाई जो अभी तक इस अनुभव को नहीं महसूस कर पाए हैं, या फिर जो श्री वृंदावन धाम या श्री बरसाना धाम नहीं जा पाए हैं, उन सभी से निवेदन है कि कभी कोई प्रोग्राम बनाओ और एक बार जाओ, वहाँ पर मिल के आओ। आनंद ही आनंद है, मज़ा आ जाएगा जीवन का। मुझे भी जाना था बरसाना, मुझे भी जाना था वृंदावन। मैं कह रहा था ना भैया वृंदावन जाऊँगा, हो सकता है वहाँ से अपडेट करूँ। समीकरण कुछ बने नहीं वहाँ जाने के, वहाँ पहुँचने के, लेकिन जल्दी ही वहाँ से आपके लिए एक लाइव कर देंगे या फिर आपको वहाँ के दर्शन करवा देंगे। इस हफ्ते वरना अगले हफ्ते परमात्मा की जैसी इच्छा रहेगी, जैसी कृपा रहेगी, जब वो बुलाएंगे वैसी दौड़ते हुए पहुंच जाएंगे उनके पास। क्योंकि भाई अपना तो सब कुछ वहीं समर्पित है, वहीं से शुरू होता है, वहीं से ये सारी सिस्टम अपने चलते हैं। उन्हीं को सौंप रखा है भाई कि जो भी कर रहा हूँ सब आपको समर्पित है, जैसा आप करवा दोगे वैसा कर लेंगे, और जैसा आप नतीजा दे दोगे, जैसा आप फल दोगे वो ले लेंगे, स्वीकार है, सरमाथे है आपका जो भी आशीर्वाद रहेगा। आज क्या कुछ खास रह सकता है इस खेल में, तो भाई उससे पहले कल के खेल की चर्चा जरूरी है। कल आपको पंजा बताया था बड़े संकोच में कि भैया या तो पंजा रख रहा हूँ मैं, तो बाकी अगर आपको लगे कि दुग्गी सत्ता मजबूत है तो चेंज कर सकते हैं, बाकी पंजा बहुत शानदार बन रहा है इसलिए मैं रख रहा हूँ। परमात्मा ने मुझ पर ऐसी कृपा करी, मेरे शब्दों पर ऐसी कृपा करी कि कंपनी ने तीन तीन बार पंजा खोल दिया, 05 के रूप में, 35 के रूप में, 85 के रूप में। और सबसे खास बात यह रही कि क्रॉसिंग हमारे पास थी, 0 हमारी क्रॉसिंग में था, तिग्गी हमारी क्रॉसिंग में था, 8 हमारी क्रॉसिंग में था। तो भैया सभी कुंडुबा परिवार को बहुत बहुत बधाई। इस तरीके से जब नतीजे आते हैं और भाई इस तरीके के फैसले जब हम देखते हैं कि भाई बड़ा डाउटफुल होकर चीज़ों का इस्तेमाल किया और वो सफल हो गई, क्योंकि जागरूक थे, क्योंकि समझदारी दिखाई थी कि भाई ये फैसला लेना अच्छा रहेगा। आपने वैसा फैसला लिया या नहीं लिया, आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। आज आपके लिए क्या कुछ खास रहेगा क्रॉसिंग के अंकों की अगर बात करें, तो भाई क्रॉसिंग के अंकों में मेरा जो खेल बन रहा है वो तिग्गी 8-0-5। कल भी मैंने इन अंकों का इस्तेमाल किया था, आज भी कर रहा हूँ, और पिछले 10 दिनों से लगातार मैं इन अंकों में खेल लेके चल रहा हूँ। और परमात्मा की ऐसी कृपा है कि भैया सफलता भी मिल रही है, क्रॉसिंग बढ़िया काम करके दे रही है लोगों को। अब यहाँ से चौवा और नहला, ये 6 अंकों का समीकरण है। 6 अंकों में आप 3 फैमिलियों को ढूंढ लोगे, 0549 वाली फैमिली, 3805 वाली फैमिली, साथ में 3849 वाली फैमिली। तो ये 3 फैमिलियाँ आज अपना कमाल दिखा सकती हैं, अपना काम करके दिखा सकती हैं। अगर आपका विश्वास इस क्रॉसिंग के खेल पर बनता हो, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इसमें से कोई जोड़ी नज़र आ रही हो कि भाई ये जोड़ियाँ अच्छी हैं, आप उन्हें अपने पास चुनकर रख लीजिए और उनका इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है जी, ये बढ़िया अंकगणित मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ आपके सामने दिल्ली बाज़ार की लोकेशन पे क्या कुछ खास रह सकता है। तो भाई दिल्ली बाज़ार की लोकेशन पे मैं चाहता हूँ आप 30 खेलें और 83 खेलें। ये तिग्गी का अंक यहाँ पर काम करके दे सकता है, अंदर या बाहर, अंदर 30 पे, बाहर 83 पे। साथ में 83 बताते समय मैं एक बात और बता दूं, अजीत कुमार दास जी का कल मैसेज आया था कि भाई 83 पे मैं बहुत सारे पैसे लगा चुका हूँ, पकड़ कर चल रहा हूँ, खुल नहीं रही है, क्या करूँ। तो सोनू भैया ने बोला कि एक दिन और पकड़ के चल लो, बिल्कुल सही बात कह रहे थे। और आज मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आज 83 के समीकरण सभी लोकेशनों में जिंदा हैं, बने रहेंगे। अगर आज 83 खुलती है, 38 खुलती है, तो आज के बहुत अच्छे सहयोग बन रहे हैं, अन्यथा आप फिर रोक देना।
क्योंकि भाई इतना नुकसान हो चुका है और नुकसान मत करो। जहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो रही हो कि भाई यहाँ पे मैं आज ब्रेक लेना चाहता हूँ, अगर आज ना खुले तो मैं फिर रुकूंगा और जब दोबारा समीकरण बनेंगे मैं आपके सामने साझा करूंगा। क्योंकि मैंने पिछली 38 तिरासी से पहले भी कई दिन 38 तिरासी का इंतज़ार किया, खुली लेकिन मेरे कहने पर नहीं खुली, पर आज भी चांस है, आज भी आपको ये सब काम देखने को मिल सकता है। ये बढ़िया समीकरण मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ आपको बाकी लोकेशनों में खेल बताना, तो भाई मेरे पास जो खेल बन रहा है फरीदाबाद प्लस गाज़ियाबाद प्लस गली का बहुत अच्छा सहयोग ये बन रहा है कि भाई यहाँ पर कंपनी पंजा रिपीट कर सकती है। और अगर कंपनी ने पंजा रिपीट किया, पंजा 35 पे, पंजा 85 पे, पंजा 05 पे रिपीट होने के चांस रहेंगे। और अगर पंजा यहाँ से रिपीट हुआ तो देखो 85 रिपीट की बहुत शानदार जोड़ी है, 95 नई जोड़ी है, खुलने के चांस हैं, 45 दो तारीख को दिल्ली बाज़ार ने 54 के रूप में खोली थी, पता नहीं 45 के रूप में खोली थी, तो ये पंजे के चांस हैं, ठीक है। और साथ में एक 75 के चांस। अगर आपको लगता हो कि भाई पंजा यहाँ पर बहुत बढ़िया इन्होंने कवर कर दिया है, तो पंजे पे ये चार जोड़ियाँ खेल के चलना, आपको तीन लोकेशन में खेलने 05, 35, 85 पे बढ़िया चांस है। बाकी जगह खेलना चाहते हो आपकी खुद की चॉइस है, आपकी खुद की मंजूरी है, लेकिन ये बढ़िया पंजे पे रिपीट, अगर पंजा रिपीट खुलेगा यहाँ पे एक बार यहाँ तीनों में से कहीं ना कहीं पंजे के चांस बनेंगे, तो ये जोड़ियाँ अच्छी रहेंगी। और बाकी भाई हो सकता है मुझसे कोई अंक छूट रहा हो जिसे मैं जोड़ी के रूप में कन्वर्ट ना कर पाऊँ, वो आप कर लेना, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो और बढ़िया समीकरण है भैया कि यहाँ पर और जोड़ियाँ अगर कोई सी सकती है, तो मैं अट्ठे पे विश्वास दिखाना चाहूंगा, अट्ठे पे विश्वास दिखाऊंगा 08 के साथ, ठीक है जी। और विश्वास दिखाना चाहूंगा आपका 89 पे, बहुत अच्छा चांस बन रहा है इसका। और भाई साथ में एक 83 का, ये मेरा अट्ठे पे खेल है यहाँ पर। किसी भाई को मेरा खेल पसंद आ रहा हो तो इस्तेमाल कर ले, अगर किसी भाई को जोड़ियाँ ज़्यादा लग रही हो तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऐसे समीकरण रोज़ रोज़ नहीं बनते जब तीनों जगहों पर एक ही अंक हो और उसके रिपीट होने के चांस बन रहे हों, उसके साथ में एक बैकअप अंक हो और उसके खुलने के चांस बन रहे हों, ये रोज़ रोज़ समीकरण नहीं बनते। आज बन रहे हैं फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली में, तो इनका बढ़िया से इस्तेमाल कर लो। जब कुछ नया होता है, जब रोज़ाना कुछ दो जोड़ियाँ नई होती हैं तो वो बताई जाती हैं, और खेल वही है भाई जो आपको फ़ायदा करा सके, जो आपको समझाया जा सके, वो जो बनेगा वो आपके साथ साझा किया जाएगा। क्योंकि जेब से कुछ नहीं है भाई, सब कुछ खेल के तरीके से है, खेल के तरीके से चल रहा हूँ तो ही आपको सफलता दिला पा रहा हूँ। और भाई जो कृपा है वो परमपिता परमेश्वर राधा रानी की है, मेरी सरकार की है, तो भैया वो सरकार तो फिर जैसे मैं उससे काम करवाती है मैं वैसे पेश कर रहा हूँ। आपको स्वीकार हो तो प्रसाद लीजिए, अन्यथा भाई छोड़ दीजिए। साथ में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि कुमार भाई के पास अपना खेल लिखवाइए, मेरी जिम्मेदारी मेरे विश्वास पर। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत जिम्मेदार बहुत ईमानदार आदमी है जो आप सभी का समय से काम ओके कर देता है, सभी का समय पर भुगतान होता है। आपका गेम पास होना आपने खुद अनुभव किया होगा, आपने पैसे मांगे और आपके पैसे आपके खाते में डाल दिए जाते हैं, इतने बढ़िया तरीके से आपके लिए काम करते हैं। तो भाई इस काम का जो उपहार हो सकता है, जो इनाम हो सकता है, वो तो भाई यही हो सकता है कि आप लगातार जुड़े रहें, साथ में और लोगों को भी जुड़वा दें कि भाई कुमार भाई के पास खेलो, भाई कुमार भाई के पास खेलो। अब यहाँ से आज की फाइनल जो लोकेशन है वो है दिशावर। दिशावर में भाई 16 के ऊपर जो सबसे बेहतरीन खेल बन सकता है और जो ट्रिक पैटर्न कंपनी दे सकती है, उसमें 05 खुलने की संभावनाएँ हैं। छक्का अगर रिपीट हुआ तो 06 पे बहुत बढ़िया बनेगा, क्योंकि 63 फिर 16 और अब 06 बढ़िया रहेगी यहाँ पे। साथ में एक मेरे पास खेल बन रहा है 38 का, ये मेरे पास खेल बन रहा है। पहले आपको 0 बता दूं कि यहाँ 0 अंदर बाहर में मजबूत है, साथ में आपको 38 इसलिए बता दूं कि यहाँ पे 63 जो खुली उसके बाद जो 16 खुली है वो सीधे सीधे संकेत कर रही है 1, 3, 6, 8 वाली फैमिली की तरफ, और उसी फैमिली में से 38 भी कवर होता है। और 38 मैंने आपको बताया ना, सभी लोकेशनों में इसके चांस खुलने के आज जिंदा हैं। अजीत भाई, अगर आप मेरी आवाज़ ठीक से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो आज आप 38 खेल के चलिएगा। अगर आज खुलती है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना भैया जो परमात्मा की इच्छा हो, जो उस परमपिता परमेश्वर की मंजूरी हो, उसे सर माथे लगाकर स्वीकार करना चाहिए। आपने बहुत बढ़िया तरीके से खेल को समझा हुआ है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, मेरे परिवार का हिस्सा हो, मैंने कितनी कितनी बार आपका नाम भी लिया है, कमेंट भी पढ़ता हूँ आपके सभी के। और भाई जिसका जो काम मुझे समझ में आता है कि मैं बता सकता हूँ, तो मैं इस तरीके से भाई साझा करता हूँ, जिससे कि भाई मनोबल बढ़े, आप सबका हौसला बढ़े और आप सबको अच्छी चीज़ें समझ में आएँ कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें
कवर की जा सकती है। तो ये खेल मेरे पास बहुत अच्छा था। और भाई फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को राधे राधे।